श्री कृष्णा, सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट फूड और राइट मूड में। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी पे कान्हा जी को जो भोग लगता है या जन्माष्टमी पे जो प्रसाद के रूप में मिलता है वो है धनिये की पंजीरी। आज हम राइट फूड राइट मूड में बनाएंगे वही कान्हा जी का भोग एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट के साथ, जो कि आपकी धनिये की पंजीरी के फ्लेवर को और बढ़ा देगा। देखेंगे उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने लिया है एक कप धनिये का पाउडर। ये मतलब खुद ग्राइंड कीजिएगा तो थोड़ा कोर्स ग्राइंड कीजिएगा, बहुत बारीक पाउडर नहीं चाहिए। हाफ कप नारियल पाउडर है। नारियल पाउडर आपके पास ना हो तो आप सूखे नारियल को कस लेंगे कद्दूकस से। और ये कुछ काजू और कुछ बादाम मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। ये एक कप के करीब ही दाल मखाने मैंने लिए हैं और ये करीब है 3/4 कप है देसी खांड मैंने लिया है। अगर आपके पास वो ना हो तो आप शुगर को थोड़ा सा मोटा पीस लेंगे। और ये घी है हाफ कप, जितना हमें लगेगा उतना हम यूज़ करेंगे। और ये है 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, यस आपकी उसके फ्लेवर को और बढ़ाएगा। और ये करीब 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर, या आप बोलेंगे सूखी अदरक, सौंठ जो होती है, ड्राई जिंजर पाउडर वो है। अभी हम चलेंगे प्रोसेस की तरफ। तो ये मैं करीब 1 टेबल स्पून घी इसमें लूँगी और उसमें मैं रोस्ट करूँगी ये बादाम और काजू। इनको हम भून लेंगे अच्छे से। ये भून गए हैं, इन्हें मैं अभी वापस निकाल लूँगी इससे बाहर। उसी बचे हुए घी में मैं डाल दूंगी ये दाल मखाने भूनने के लिए। इनको भी हम अच्छे से एकदम क्रिस्पी करने तक भूनेंगे। हमारे दाल मखाने भी भुन गए हैं, इन्हें भी मैं वापस निकाल लूंगी इसमें। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा और घी, करीब 1 टेबल स्पून। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये नारियल पाउडर रोस्ट, थोड़ा सा इसे भी हम भूनेंगे, बहुत हल्का सा भूनेंगे, बहुत डार्क नहीं करना है। हमारा नारियल पाउडर भुन रहा है, इतने ये दाल मखाने जो हमने रोस्ट किए थे बहुत बड़े हो जाते हैं साइज़ में, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे तोड़ लेंगे ताकि पूरा मुँह में नहीं आए। और ये नारियल पाउडर भी भुन गया है, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी बोल में। अगेन 1 टेबल स्पून घी इसमें डालूंगी और डालूंगी अब धनिया पाउडर, इसे भी हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। घी अगर थोड़ा सा कम लगता है थोड़ा सा और डालूंगी, लेकिन पंजीरी बहुत ज़्यादा घी में नहीं होती है, थोड़ी सी ड्राई रहती है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, करीब 1/2 टेबल स्पून और। इस तरीके से ये 1.5 टेबल स्पून हो गया है। तो 4 से 5 मिनट हमने धनिया पाउडर को भून दिया। अब इसमें मैं ये इलायची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और सौंठ पाउडर मिक्स कर रही हूँ और करीब 1 मिनट और इसे मैं मिक्स करते हुए चला लूँगी ताकि ये सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, मैं इसको भी अब इसी बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा हमने कर लिया है, उसमें ऐड करेंगे अब हम ये शुगर। शुगर का क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हम पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से पंजीरी में हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है। उसको ठंडा होके आप कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में इसको रखिए और कुछ दिनों तक, 15-20 दिन तक आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी पे ज़रूर इस तरीके से पंजीरी बनाइएगा और कान्हा जी को भोग लगाइएगा। तो तैयार है हमारी धनिये की पंजीरी, ये पंजीरी ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये पंजीरी। आई गेस कि कान्हा जी को ज़रूर अच्छी लगेगी।
तो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा नई रेसिपीज़ की अपडेट के लिए, और बने रहिए राइट फूड राइट मूड के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। टिल देन, जय श्री कृष्णा।